Cause I just wanna go, go, go to the deep end. टेक्निकरवेज में आपका स्वागत है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस वाले फोन की। ये है इन्फिनिक्स का नोट 12। अभी हाल ही में इन्फिनिक्स ने दो फोन लॉन्च किया था, नोट 12 और नोट 12 टर्बो, जिसका हमने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग किया है। यहां पर कार्ड देता हूं, आप जाके देख लीजिए। इसमें और उसमें दो मेजर फर्क है। उसमें हीलियो G96 था, इसमें हीलियो G88 है। उसमें एंड्रॉइड 12 था आउट ऑफ द बॉक्स, इसमें एंड्रॉइड 11 है। बाकी सब कुछ आपको एकदम सेम मिलता है, लेकिन प्राइस का भी फर्क है। ये आपको 12,000 रुपए से मिलता है इंडिया में, 4GB रैम 64GB स्टोरेज, और 13,000 का है 6GB रैम 120GB स्टोरेज। तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि 1,000 ज्यादा डाल दीजिए, ज्यादा रैम ज्यादा स्टोरेज, प्राइस के हिसाब से अच्छी बात है। अब यहां पर इसकी भी बात करते हैं कुछ। बॉक्स इस तरीके का है, नोट 12 सामने मेंशन्ड है। बॉक्स के अंदर आपको एक फोन मिलता है फोन ही रहेगा, और साथ में आपको उन्होंने 33 वॉट का चार्जर दिया है, तो चार्जिंग भी आपको वैसी मिलती है नोट 12 टर्बो जैसी। टाइप सी आपको केबल मिलता है, हमेशा की तरह मुझे कुछ पैसे मिले हैं उनकी तरफ से, कुछ कागजात, सिम इजेक्टर पिन, और उन्होंने थैंकफुली एक बैक केस दिया है जो बहुत ही अलग, ऐसा तो बहुत हल्का फुल्का सा है बट स्टिल थोड़ा सा ब्लैक ऐसा डिज़ाइन वगैरह दिया है, तो अच्छा लगता है। एनीवेज फ़ोन की तरफ आते हैं, दिखने में भी दोस्तों वैसे ही, कुछ खास इसमें नया नहीं है। अरे भाई, मेरी हमेशा लड़ाई हो जाती है प्लास्टिक से बाहर निकालने में। खैर, लेकिन ये बढ़िया है। 8mm की थिकनेस पर है, 184 ग्राम्स का है, तो स्लिम है और थिकनेस भी इतनी ज़्यादा नहीं है। और पीछे आपको पॉलीकार्बोनेट है, डुअल टेक्सचर आपको डिज़ाइन मिलती है, अलग अलग कलर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसमें आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट दिया है, और साथ में आपको 3.5mm जैक माइक होल्ड टाइप सी पोर्ट, और इसमें डुअल स्टेरियो स्पीकर है जो अच्छी बात है, बट डुअल माइक नहीं है, हमेशा की तरह सिर्फ सिंगल माइक से आपको काम निकालना पड़ेगा। राइट में आपको पावर बटन है, इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर में आपको दिखा देता हूं, देखेंगे। टच किया, अनलॉक हो गया, फिर से आपको दिखाता हूं, टच किया, अनलॉक हो गया। उसके ऊपर वॉल्यूम अप एंड डाउन की है। डिस्प्ले की बात करेंगे, सेम डिस्प्ले इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो जैसी, 6.7 इंच की बड़ी सी फुल एचडी प्लस की एक एमोलेड डिस्प्ले, वाटर ड्रॉप स्टाइल डिस्प्ले है, नॉच थोड़ा ऊपर चौड़ा लगता है बट चिन कम है थोड़ी। ओवरऑल 90% से ज्यादा आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगा। 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, इसकी इंडोर विजिबिलिटी, आउटडोर सब कुछ बढ़िया था, और एमोलेड की यही खासियत होती है कि ज्यादा ब्राइटनेस निट्स हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ NTSC, DCI-P3 वगैरह मिलता है, तो जो कलर्स काफी पंची लगते हैं, और ये सिर्फ वीडियो में ही नहीं, नॉर्मली भी अगर इस फोन को यूज करेंगे, YouTube के आइकन्स, प्ले स्टोर के आइकन्स देखेंगे, ज्यादा सैचुरेटेड लगते हैं, तो समवॉट देखने में वो अच्छा लगता है। गोरिल्ला ग्लास 3 की डिस्प्ले पर प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, ये 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, 90Hz नहीं है बट 180Hz का आपको टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। अब प्राइस देखते हैं तो उसके हिसाब से मुझे लगता है बड़ी डिस्प्ले, एमोलेड पैनल है, ब्राइट है, तो अच्छी बात है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे, इसमें है मीडियाटेक हीलियो G88, जहां पर ये 4G चिपसेट है, और अगर ये 12,000 की रेंज का फोन है तो उस प्राइस पर ये चिपसेट अच्छी है, नॉट बैड। इसमें आप चाहो तो कुछ गेम्स भी खेल सकते हैं, नॉर्मल मीडियम हाई पर जैसे आपको ठीक लगे, डिपेंड करता है कि आप कौन सा गेम खेल रहे हैं, और साथ ही साथ डे टू डे लाइफ के भी काम इसमें अच्छे हो जाते हैं। आप ऐप ओपन क्लोज करो, मल्टीटास्किंग करो, ज्यादा लैग स्टटर आपको नहीं मिलेगा। इसमें LPDDR4X रैम सपोर्ट, EMCP स्टोरेज का सपोर्ट है, वैसे इसमें UFS होनी चाहिए थी, हमने नोट 12 टर्बो में भी यही बोला था, पता नहीं इस प्राइस पर अगर UFS दे देते तो क्या जाता था। खैर, लेकिन यहां पर सॉफ्टवेयर एक ऐसा चीज है जो मुझे कंसर्न करता है, क्योंकि जब भी ज्यादा आप यूज करते तो थोड़ा स्टटर वगैरह होता है, लैग होता है, बस यही एक चीज है। पाम स्टोर के अननेसेसरी नोटिफिकेशन आते हैं, हाउएवर आप डिसेबल कर सकते हैं, बट स्टिल सॉफ्टवेयर मुझे इनका इतना खास नहीं लगता है, बट कुछ लोगों को अच्छा भी लगे क्योंकि बहुत हैवी कस्टमाइजेशन उन्होंने दिया है, आपको जैसे ठीक लगे आप कर सकते हैं। हाँ, ये एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड है, कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि एंड्रॉइड 12 इसमें आएगा, तो जो लोग पूछ रहे थे कि भाई एंड्रॉइड 12 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये उसका जवाब है। अब एंड्रॉइड 13 आएगा कि नहीं आएगा उसके बारे में मुझे नहीं पता है, बट एंड्रॉइड 12 उन्होंने कंफर्म कर दिया है। बैटरी की बात करेंगे तो 5000 mAh की बैटरी है, सेम नोट 12 टर्बो जैसी, और चार्जिंग भी वैसी है 33 वॉट की, और चार्जिंग एक घंटे के अंदर ही इसको फुल चार्ज करेगा, और बैटरी बहुत अच्छी चलती है। एमोलेड डिस्प्ले, लो पावर कंजम्पशन होता है, तो ज़्यादा इशू नहीं है। मुझे जितना भी मैंने यूज़ किया हो, ये पूरा दिन मेरा मिक्स्ड यूसेज है, पूरा दिन आराम से चलता है। कनेक्टिविटी और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो ब्लूटूथ वर्जन 5 है, आपको डुअल बैंड वाईफाई 5GHz बैंड सपोर्ट करता है, सारे सेंसर्स का आपको सपोर्ट मिलता है, वाइड बैंड L1 भी है, अगर आपको Amazon Netflix पर HD कंटेंट देखना है वो भी आप कर सकते हैं। फाइनली कैमरे की बात करें तो कैमरा सेटअप भी कंप्लीटली सेम है नोट 12 टर्बो जैसा, 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 2K वीडियो मैक्स शूट कर सकते हैं, क्वाड LED फ्लैश वगैरह है, सामने 16MP की सेल्फी, यहां पर भी मैक्स 2K वीडियो शूट कर सकते हैं, डुअल LED फ्लैश वगैरह यहां पर भी दिया है, और फोटोज देखेंगे तो ठीक ठाक है, मैं ना एक्सीलेंट कहूंगा ना मैं एकदम बकवास,
कहूँगा, मैं डिसेंट कह सकता हूँ, चाहे फिर वो रियर हो या सेल्फी हो, फिर वो वीडियो भी क्यों ना हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव की लिंक दिया हूँ, आप जाइए चेक करिए और बताइए कि आपको उसके फोटोज़ कैसे लगे। तो जाते जाते इसके बारे में एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आपको बड़ी एमोलेड डिस्प्ले वाला फ़ोन चाहिए, आपकी बजट कम है, साथ में आपको बड़ी बैटरी फास्ट चार्जिंग भी अच्छी चाहिए और आपको उसमें परफॉर्मेंस डिसेंट है, तो आपको डे टू डे लाइफ के सारे सोशल मीडिया वाले काम्स करना है, इनफैक्ट कुछ गेम्स खेलना, तो वो भी आप कर सकेंगे, तो उसके लिए फ़ोन बढ़िया है। और मेरी टिप तो यही रहेगी कि वो 13,000 वाला ही ले लीजिए, क्योंकि 1,000 ज़्यादा जाने से आपको 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज मिल जाती है। तो उस प्राइस रेंज पर वो वाले वेरियंट के साथ मुझे लगता है कि हाँ, एक अच्छा पैकेज है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी जो भी प्रोस था कौन सा, हमेशा की तरह वीडियो में बताई देते हो, आप वो चेक कर लीजिए। नए तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आएगी लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।